हमारे पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि हम होम्योपैथिक मेडिसिन्स को इस तरीके की ब्लिस्टर पैकिंग में क्यों देते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे 8 रीजंस बताऊंगी कि ये हम क्यों करते हैं। पहली चीज तो ये कि ये बहुत कन्वीनियंटली पैक हो जाती है हमारे क्लिनिक में। तो हम जो भी हमारे पेशेंट्स आते हैं और उनकी जो मेडिसिन निकल के आती है, रेमेडी निकल के आती है जो हमें उनको देनी होती है, तो हम उसको इस पैकिंग में पैक करके अपने क्लिनिक में ही बना के देते हैं। ये पहले से बनी हुई नहीं होती, तो जो पेशेंट आता है उसके लिए ये फ्रेश मेडिसिन यहीं प्रिपेयर होती है। पॉइंट नंबर 2 कि ये बहुत इजी टू यूज मेडिसिन है आप लोगों के लिए, यानी कि जब आप इसको अपने साथ रख सकते हैं, अपने साथ कैरी कर सकते हैं, आपको बहुत सारा कुछ तामझाम जो है वो लेके चलने की जरूरत नहीं है। तो आपने बस इस मेडिसिन को खोलना है, वो हम आपको डायरेक्शंस बताते हैं जब आप क्लिनिक पे आते हैं कि क्या वे है इसको खोलने का और किस तरीके से आप डायरेक्टली इसको ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 इज दैट इट इज वेरी कन्वीनियंट टू एडमिनिस्टर इवन फॉर चिल्ड्रन। आपको गोलियां गिनने की जरूरत नहीं है। वैसे तो देखिए होम्योपैथिक मेडिसिन की 3-4 गोली ही काफी होती हैं, बट हम फिर भी इसमें एक्स्ट्रा इसलिए डाल के देते हैं ताकि बाय चांस खोलते वक्त अगर आपसे गिर भी जाती है मेडिसिन, तो आपके पास इतनी डोजेज होनी चाहिए कि वो आपके लिए एक्ट कर सके। पॉइंट नंबर 4 दैट एफिकेसी इज मेंटेन्ड। दैट मीन्स कि अगर आप ये डोज खोल रहे हैं तो यही डोज यूज होगा, आपका ये डोज जो है वो स्पॉइल नहीं होगा। आपने कई बार देखा होगा कि जो पहले जो मेडिसिन दी जाती थी, अभी भी बहुत सी होम्योपैथिक मेडिसिन बॉटल्स में दी जाती हैं, तो पेशेंट्स हमें कंप्लेंट किया करते थे कि मैम जैसे ही हम लोग बॉटल खोलते हैं शुरू शुरू में तो मेडिसिन का हमें बहुत असर लगता है, लेकिन बाद में जाके जो है वो मेडिसिन जो है उसका असर कम लगने लग जाता है। तो कई बार ऐसा होता है होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ कि जब आप बार बार बॉटल्स खोलते हैं, कई बार बच्चे भी मस्ती करते हैं और खोलते चले जाते हैं बॉटल्स को, तो उसमें मेडिसिन की जो एफिकेसी है वो कहीं किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। खत्म तो नहीं होती, बिकॉज ये जो छोटे छोटे वाइट आप बॉल्स देख रहे हैं ना, इसके अंदर जब हम डाइल्यूशन जब ऐड करते हैं तो ये एब्जॉर्ब कर लेती है पूरी तरीके से मेडिसिन। बल्कि जहां पे अगर आपको दिखता है कि कोई डाइल्यूशन तैरता हुआ होता है वो बल्कि गलत होता है, क्योंकि ये जो बॉल्स हैं इसका मतलब उन्होंने ठीक से एब्जॉर्ब नहीं करी मेडिसिन। तो हम ये कौन सी मेडिसिन, कौन सी बॉल्स यूज करते हैं, ये वाइट शुगर स्मॉल स्मॉल बॉल्स जो आपको दिखती हैं, ये मैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, क्योंकि हम बेस्ट ऑफ क्वालिटी अपने पेशेंट्स के लिए बनाते हैं ताकि वो किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। पॉइंट नंबर 5, इन मेडिसिन के लिए आपको पानी की भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। कई होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए लिक्विड की जरूरत होती है, बट इन पिल्स के लिए आपको वाटर की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आप डायरेक्टली अपने मुंह में लेंगे, अपने टंग पे रखेंगे, आपके सलाइवा से ही ये डिजोल्व हो जाएगी। और जैसे मैंने मेंशन किया दैट वी यूज बेस्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ ग्लोब्यूल्स ओवर हियर, इनको ग्लोब्यूल्स भी बोलते हैं, इनको पिल्स भी बोलते हैं, कई लोग प्यार से इनको मीठी साबुदाना की गोलियां बोलते हैं। तो ये जो गोलियां हैं ये बेस्ट ऑफ क्वालिटी की होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी पे ही सारी चीजें डिपेंडेंट होती हैं कि हम जो पेशेंट को मेडिसिन दे रहे हैं वो कितनी अच्छी तरीके से एक्ट करती है। पॉइंट नंबर 6 दैट इट इज वेरी लाइट वेट। आप इसको अपने पर्स में रखिए, अपने पॉकेट में रखिए, आप जहां भी जा रहे हैं इसको कैरी करके ले जा सकते हैं। मेरे जो इंटरनेशनल पेशेंट्स हैं वो इनको इन मेडिसिन को 3-3, 4-4 महीने की मेडिसिन को मेरे से लेके जाते हैं, बिकॉज जब उनका इंडिया आना होता है तो तभी वो मुझसे मिल पाते हैं या फिर कनेक्ट कर पाते हैं। सो ये बहुत ही लाइट वेट होता है, आपको कोई भारी भारी बॉटल्स नहीं अपने साथ जमा करनी, इसका कोई अलग से आपको केस बनाने की जरूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है कि इसको सनलाइट एक्सपोजर नहीं मिलना चाहिए, बिकॉज जब आप धूप में रखेंगे और डायरेक्ट सनरेज इस पे पड़ेंगी तो डेफिनेटली हो सकता है कि मेडिसिन का इफेक्ट थोड़ा कम हो जाए, खत्म फिर भी नहीं होगा लेकिन कम जरूर हो सकता है। तो सनलाइट से सिर्फ इसको जो है हमें प्रोटेक्ट करके रखना होता है। पॉइंट नंबर 7 दैट बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा है। जो बच्चे स्कूल जाते हैं पेरेंट्स क्या करते हैं उनको एक डोज यहाँ से कट करके दे देते हैं
कि स्कूल में या बस में खा लेना, तो बच्चों के लिए बहुत कन्वीनियंट होता है कि बस ओपन किया रैपर, जैसे वो अपनी टॉफी कैंडीज वगैरह खाते हैं, उससे भी ज्यादा इजी है ये। तो बच्चे जो हैं वो बहुत पसंद करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिंस को, और इस तरीके की मेडिसिंस के लिए वो वेट करते हैं। मेरे पास कितने प्यारे प्यारे और क्यूट क्यूट बच्चे आते हैं जो इतने प्यार से मुझे मीठी गोली वाली आंटी बुलाते हैं, तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि चलो मैं बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर रही हूँ, उनको कुछ मीठा खिला रही हूँ, सेफ खिला रही हूँ, इफेक्टिव खिला रही हूँ, कोई ऐसी कड़वी दवाइयाँ नहीं दे रही कि जो कि बच्चा हेट करे। ओल्ड एज के लोग जिनको पार्किंसंस की प्रॉब्लम होती है, हाथों में ट्रेमर्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, आप सोचिए उनके लिए कितना डिफिकल्ट है कोई भी मेडिसिन लेना, नॉट ओनली होम्योपैथिक मेडिसिन बट इवन कोई भी मेडिसिन लेना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ये जो पैकिंग है वो इतनी कन्वीनियंट होती है कि इवन अगर उनके हाथ शेक कर रहे हैं किसी तरीके से, तो वो जब इसको ओपन भी करेंगे तो सिंपली जब ओपन करेंगे इसमें से ज़्यादा मेडिसिन नहीं गिरेगी। इस मेडिसिन को हम इतना डालते हैं कि किसी भी तरीके से ओल्ड एज के लोगों के लिए खासकर प्रॉब्लम ना आए। तो हम जब भी हमारे पास कोई सीनियर सिटीजन आते हैं और हम देखते हैं कि उनको पार्किंसंस है और उनका शेकिंग ऑफ हैंड या फेस की शेकिंग बहुत ज़्यादा है, तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम इस मेडिसिन से भी थोड़ी ज़्यादा मेडिसिन उनको डाल के दें, ताकि इन केस अगर ओपन करते वक्त उनसे ये गिर भी जाती है तो उनके लिए इतनी डोजेस होनी चाहिए कि वो कन्वीनियंटली खाएं और उसका असर उनको दिखाई दे। पॉइंट नंबर 8, लेस ऑफ वेस्टेज। ये आपका पैसा है, आप अपना पैसा अपनी हेल्थ पे खर्च करते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको कंसल्टेशन देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, तो ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ये देखें कि आपके लिए मेडिसिन का किसी भी तरीके से वेस्टेज नहीं होना चाहिए। तो जो डोज आप यूज करोगे वही डोज जो है आपके अंदर जा रही है, इसकी कोई वेस्टेज नहीं हो रही किसी तरीके से। अगर मैंने 15 दिन में 3 times a day किसी को मेडिसिन दी है, तो वी मेक श्योर दैट वी गिव 45 डोजेस, किसी को 1 महीने के लिए दिए तो 90 डोजेस, किसी को 2 times a day की मेडिसिन दी है तो उसके लिए 60 डोजेस हो जाते हैं 1 month के। तो हम पूरे डोजेस गिन के ही ये मेडिसिन जो है वो इस तरीके के एक एनवलप में पैक करते हैं। सो इस एनवलप पे आपका नाम लिखा रहता है, डेट होती है, आपका नेक्स्ट विजिट डेट होता है, आपका जो है डोजेज लिखा हुआ होता है कि नंबर 1 मेडिसिन कैसे लेनी है, नंबर 2 कैसे लेनी है। इन केस हम कोई टिंचर्स देते हैं, ड्रॉप्स देते हैं, टैबलेट्स देते हैं, तो वो भी जो है वो यहाँ पे मेंशन रहता है। बिसाइड्स दैट हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस पे मेंशन रहती हैं, बिकॉज हमारे जो हैं 2 clinics हैं, तो पेशेंट को पता रहता है कि किस क्लिनिक पे उन्हें कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत है। हमें कोई उन्हें रिपोर्ट्स अगर ईमेल करनी है तो उस पर वो सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। हमारे जो सोशल मीडिया के टैग्स हैं वो जो हैं वो मेंशन रहते हैं। तो सारी इंफॉर्मेशन इस एनवलप में होती हैं। तो इस एनवलप की बहुत इम्पोर्टेंस है अपनी, आप इसको प्लीज़ जो भी मेडिसिन मेरे से लेते हैं इसको निकाल के फेक मत दीजिए, बिकॉज इस पर सारी इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियरली मेंशन होती हैं और आपकी जो मेडिसिन होगी उसके पीछे इस तरीके से आपका नाम मेंशन होगा। ये मैंने पंच इसलिए किया हुआ है क्योंकि मैं अभी एक पेशेंट को इसका डेमो दे रही थी कि उन्हें मेडिसिन कैसे खानी है, तो यहाँ पे जो है आपका नाम जो है वो क्लियरली मेंशन होगा। ये डेट मेंशन होती है कि मैंने किस दिन आपको दवाई दी है, ताकि एक मेडिसिन दूसरी मेडिसिन के साथ मिक्स ना हो। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप ये जो एनवलप है जिस पे आपकी सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो आप प्लीज़ मेडिसिन निकाल के फेंके ना, बिकॉज अदरवाइज यू विल लूज द इम्पॉर्टेंस ऑफ द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द मेडिसिन गिवन टू यू। सो आई होप कि मैं इस वीडियो में आपको ये क्लैरिटी दे पाई कि क्यों हम ये मेडिसिन की पैकिंग जो है अपने क्लिनिक में करते हैं और किस तरीके से जो है ये मेडिसिन बहुत कन्वीनियंट होती हैं यूज़ करने में, कॉस्ट इफेक्टिव है एंड मोर ओवर लेस ऑफ वेस्टेज है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने पेशेंट्स को बेस्ट ऑफ क्वालिटी ट्रीटमेंट दें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी
कि ये जो वाइट कलर की शुगर बॉल्स हैं या साबुदाना की मीठी गोलियां हैं, ग्लोब्यूल्स हैं, पिल्स हैं, ये मेडिसिन ये जो है ये किस तरीके से एक्ट करती है। सो जस्ट मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ आपको यहाँ पे। जब हम कार अपनी ड्राइव करते हैं और हमें पता है कि हमारे ड्राइव करने के लिए हमें फ्यूल की ज़रूरत है, विदाउट फ्यूल कोई भी गाड़ी नहीं चलेगी, चाहे वो सीएनजी हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, तो आपकी गाड़ी के इंजन को चलाने के लिए उसको हमेशा आपको भरवाना ही पड़ेगा। और पेट्रोल की गाड़ी में पेट्रोल डलता है, सीएनजी सीएनजी से चलती है, डीजल की गाड़ी डीजल से चलती है। होम्योपैथिक मेडिसिन को वर्क करने के लिए ऐसे ही एक व्हीकल की ज़रूरत होती है। बाकी सब चीज़ें जो हैं डाइल्यूशंस वगैरह, वो पेट्रोल सीएनजी डीजल अलग अलग काम करती है, लेकिन ये जो है ये है हमारा व्हीकल। तो इस व्हीकल पे हमें कई तरीके की मेडिसिंस जो हैं वो ऐड करनी पड़ती हैं ताकि वो आप पे आपकी बॉडी पे अच्छे से एक्ट कर सके। सो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से ज़रूर मिलूंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से यह हमारी जो गाड़ी है वो पेट्रोल पे सीएनजी और डीजल पे वर्क करती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको अगर हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, आपको लगता है कि आपके फैमिली फ्रेंड्स के लिए यूज़फुल है, तो आप इसको ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए, फॉरवर्ड करिए। और अगर आपको हमसे कोई भी किसी तरीके की मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो अपनी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप अगर हमारे क्लिनिक पे विजिट नहीं कर सकते तो आप हमसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हम मेडिसिन कुरियर के थ्रू या जितने भी ये लॉजिस्टिक्स वाले हैं, वी फास्ट, पोर्टर, आजकल तो बहुत लॉजिस्टिक्स हो गई हैं, सो उनके थ्रू भी हम भिजवा सकते हैं। अगर आप खुद अपना ऑर्डर बुक करना चाहें हमारे साथ, तो आप वो खुद बुक करके भी घर पे मंगा सकते हैं। सो अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपनी अच्छी से अच्छी सेहत रखिए, एक्सरसाइज करिए, खाना खाइए, पानी पीजिए खूब अच्छी तरीके से, और अच्छे से रात को 8 घंटे सो जाइए, किसी तरीके का स्ट्रेस मत लीजिए, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।